बर्थडे था 15 दिसंबर, हमारे पार्टनर बली अरोड़ा जी का बर्थडे था। सो हम दोनों ने प्लान किया कि दोनों को कंबाइन करके संडे का दिन चूज करें कि सब आप आ सको हमसे मिलने, हमें विश करने। साथ ही साथ 14 दिसंबर को हमारी फिल्म, हमने जो PTC बॉक्स ऑफिस के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाई है रज्जो, वो रिलीज़ हुई है, जो क्रिटिकली काफ़ी एक्लेम किया गया है जिसे, और बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया गया है, एंड ऑडियंस आर गोइंग गागा बाय वॉचिंग दैट फिल्म। तो वी बोथ आर वेरी एक्साइटेड। बली जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप UK से आए हैं, मुंबई में आए हैं, मूवी अभी रिलीज़ हो गई है, काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है, तो जो आपकी एंट्री है बॉलीवुड और पंजाबी, उसमें कैसा लग रहा है आपको? Just so the moon, I'm so happy, I'm glad. Mumbai कैसा लग रहा है आपको? Mumbai, it's rocking, beautiful place. एक ही दिन में इतना अच्छा रिस्पांस काफ़ी कम शॉर्ट फिल्म्स को मिलता है, या तो वेब सीरीज जो भी देखा जाए, शॉर्ट मीडियम की फिल्म्स को, लेकिन इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो पंजाबी सिनेमा है वो कहीं ना कहीं पे सिर्फ फेमस है फिल्म्स बनाने के लिए जो कि थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो, या फिर थोड़ा सा उसमें ड्रग्स दिखा दिए जाएं, या टेररिज्म दिखा दिया जाए, या एक्शन मूवीज हैं। रज्जो इज़ अ लिटिल डिफरेंट फिल्म देन दिस आज का सिनेरियो। हमने कुछ ऐसा सिनेमा देने की कोशिश की है पंजाबी इंडस्ट्री को, जिसमें कि एक वुमेन की कहानी है, बिकॉज सिंस यू ऑल नो दैट आई एम इन महिला कांग्रेस और मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम करती हूँ। तो हमने ये सोचा कि हम एक ऐसी फिल्म बनाए जिसमें कि एक अच्छा मैसेज जाए लोगों के लिए और औरतों को सशक्तिकरण मिल सके। सो इस वजह से हमने एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो टोटल स्टोरी और कॉन्सेप्ट है जो PTC के प्रेसिडेंट है रविंद्र नारायण जी, उन्होंने जब ये प्लान किया कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली सब होता चला गया और फिल्म इतनी अच्छी बन गई कि मैंने सोचा नहीं था कि 40 साल की उम्र में आके भी मैं इतना अच्छा काम कर सकती हूँ। इस फिल्म को चूज़ करने के पीछे कुछ खास वजह, क्या चीज़ सबसे खास लगी इस फिल्म में आपको, आप लोग दोनों से कुछ? एक्चुअली बली जी की एंट्री फिल्म में काफ़ी देर बाद हुई, शूटिंग के बाद हुई, एंड ही वांटेड कि मैं इस फिल्म के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जब उन्होंने कॉन्सेप्ट और थ्योरी सुनी, प्रोजेक्ट सुना कि हम अभी पंजाब से शूटिंग करके आए हैं, अब हमारा बाकी का आधा प्रोजेक्ट बाकी है, पोस्ट प्रोडक्शन एंड ये वो, सो ही सेड द स्टोरी इज सो नाइस, सो गुड दैट आई रियली वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ इट। एंड यू कैन I like the story first, and then obviously the acting. You must have seen, you must have watched the movie. It's really beautiful movie and very strong character. Ma'am, I'm really impressed with the acting. Okay, ma'am, काफी emotional किरदार लग रहा है आपने, जिस तरह से poster में भी दिख रहा है, आप ऐसे लगे पूरी तरह से उस character के अंदर आप है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? और appreciation भी बहुत मिल रही है social media में। बिकॉज एक फिल्म ऐसी है ये जो कि आम जनता को, अपने आम पब्लिक को, किसी भी एक औरत को इस कैरेक्टर में जोड़ेगी। आजकल पंजाब के पिंडों में, गाँव में, ऐसे कई गाँव में, सिर्फ पंजाब नहीं, ऐसे हादसे होते रहते हैं जहाँ पे कि औरतें चाहती हैं कि वो अपनी जगह बना सके, अपना रिवेंज ले सके, बट उसके लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट अ रिवेंज, इट इज़ अबाउट अ स्टोरी ऑफ अ वुमेन कि उसको अपनी जर्नी कैसे तय करनी है। और कहीं ना कहीं पे मेरी रियल लाइफ भी ऐसी थी, तो मुझे सोचा रियल लाइफ को रियल लाइफ में कन्वर्ट किया जाए, दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो इमोशनल कैरेक्टर है, वी ऑल लव डूइंग इट। मैं तो कितने दिन तक, इट वॉज लाइक मेरी फ्रेंड है पारुल चावला, शी वाज सेइंग दैट ये फिल्म आपकी बड़ी हॉन्टिंग है, मुझे तो रज्जो के सपने आए जा रहे हैं देखने के बाद। सो थोड़ा थोड़ा वो भी, हर कोई इस कैरेक्टर के साथ रिलेट करता है। मैम, आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से आप मुंबई में सोशल वर्क्स कर रही हैं, बर्थडे है आपका और आपके जो फैंस हैं वो कंटिन्यू आपको इतना प्यार किए जा रहे हैं, मूवीज़ भी उनको पसंद आ रही है, साथ में फैंस का लव इतना है कि लोगों को पता चल रहा है, होर्डिंग्स लगवा रखी हैं उन्होंने, तो ये फैंस के लव, इतने प्यार के लिए क्या कहना चाहेंगी, किस कैसा लगता है जब कोई? सी नॉर्मली जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, लोग सोचते हैं कि पॉलिटिशियंस मतलब खादी मतलब सिंप्लिसिटी। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिशियन ऐसा होना चाहिए जो मासेस के साथ जुड़े और मासेस के बीच में से ही निकले। सो मैं जैसे रहती हूँ, आई लिव माई लाइफ ऑन माई टर्म्स एंड कंडीशंस, और यही चीज़ मेरे फैंस पसंद करते हैं। आई हैव गॉट ह्यूज फैन फॉलोइंग इन यूथ कांग्रेस, NSUI, जितने भी मेरे सारे लोग हैं, इनकी वजह से आज मैं हूँ। और जितने भी सोशल मीडिया, आई थिंक मैंने एक्टिंग तो अभी 2 साल से करनी शुरू किया, उससे पहले ही सोशल मीडिया में मुझे जो भी प्यार मिला है वो इसी वजह से मिला है कि आई एम रियल। सो मैं सबको ये बोलना चाहूँगी, बी पॉजिटिव इन लाइफ, बी रियल, व्हाट यू आर वही पोर्ट्रे करो, आर्टिफिशियल और फेक बनने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दी
काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिया है लोगों ने कांग्रेस को, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए खासतौर? इसके लिए तो मैं आप सबसे भी मुबारकबाद लेना चाहूँगी और सबको देना भी चाहूँगी, बिकॉज कांग्रेस का जो अभी रिजल्ट आया है सारी स्टेट्स में, यहाँ से पब्लिक में बहुत बड़ा हौसला और अफजाई मिली है उनको, और उनको लगता है कि आने वाले टाइम में हम और अच्छा करेंगे, और आई थिंक ये आंसर है उन सब वादों का जो पूरे नहीं किए गए, ये आंसर है उन सब गरीब लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो यूथ है हमारा जो बेरोजगारी है, फार्मर्स हैं जो इतने ज़्यादा परेशान हैं, और दूसरी तरफ पुतले बनाए जा रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है जो अभी इस दुनिया में नहीं है। मैं सलाम करती हूँ उनको, दिल से मैं ट्रिब्यूट देती हूँ, बट उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखावा करना पड़े या कुछ ऐसा करना पड़े। हमें आई थिंक रोज़मर्रा के जो मुद्दे हैं पहले उन पर काम करना चाहिए, और उससे लोग त्रास थे, परेशान थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को, हमारे प्रिय राहुल गांधी जी को अपना प्यार दिया है। एक कमेंट था राहुल गांधी का मैम वोटिंग के पहले कि कर्ज जितने भी किसान हैं उनके सारे कर्ज माफ़ हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन जीते उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें राहुल गांधी ने यह कहा है कि कर्ज माफ़ी सोल्यूशन नहीं है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि कर्ज माफ़ी सोल्यूशन नहीं है, उसका हल कोई कई और तरीके से निकालना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि रातों रात हम कर्ज, उनको भी सरकार चलाए 15 साल से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब में बीजेपी की सरकार थी, तो अगर आज हमारी सरकार आई है तो उनको चीज़ों को वापस ट्रैक में लाने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा। ही रातों रात तो चेंज हो गई नहीं, 5 साल से तो हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि बीजेपी सरकार शायद कुछ चेंज कर दे, तो आई एम श्योर अगर उन्होंने कुछ वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, क्योंकि एक वही गवर्नमेंट है। मैं आज धर बोलना चाहूँगी टंकी की चोट पे कि कांग्रेस की सरकार है जो कि चला सकती है देश को, और कोई सरकार आएगी 5 साल में जाएगी। मैम व्हाट विल बी योर रोल इन 2019? वी विल सी यू फाइटिंग इलेक्शन? या आई विल डेफिनेटली ट्राई, अगर उनको लगेगा कि मैं लड़ सकती हूँ, मैं वर्सोवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से डेफिनेटली ट्राई करूँगी एमएलए के लिए, और बाकी सब किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, डेस्टिनी के ऊपर करता है, और वैसे मैं एक्टिंग भी बाइट हो गई मैम किस बर्थडे विश If I was young, I would have sung that song, Happy Birthday. Next time. अच्छा राकेश एक क्वेश्चन है सर, कृषि की अगली सीरीज कब आएगी, इसका थोड़ा सा अगर कुछ बता सके तो? काम कर रहे हैं उसको अभी, इसे स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी, शुरू करेंगे। एक्चुअली बड़ी मुश्किल से ब्रायन को, ही वाज राइटिंग द स्क्रिप्ट हो रही है। बड़ी पिक्चर टाइम लेती है। ओके सर, सुपर 30 की काफी लोग बात कर रहे हैं, पोस्टर मुझे कुछ नहीं, आपने पोस्टर देखा सर, हाउ यू लाइक द पोस्टर? इज वेरी गुड, दो भी देखा वो बहुत अच्छा। कब तक ट्रेलर हम देख सके? ओके अच्छा, रज्जो भी रिलीज हुई कर ली, इनके शॉर्ट फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रज्जो का प्रोमो मैंने देखा है, बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छा काम किया है, आई वाज सरप्राइज कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, हम दोस्त हैं। व्हाई वर यू सरप्राइज? I know she is a good artist, yeah? हाँ, अगर खुशियों की सांस भी कभी बहुत है। Yeah. We are blessed to have you in our life. Okay, thank you. Sir, 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 one, Jitendra, sir, one question. Sir, one question. Your daughter also doing very fantastic. Yeah. Ekta ma'am. Aparan also web series people love. That also going to stream. People loving that promo also. What do you want to say regarding that? Aparan. Aparan. Aparan, I may be chairman of the company, but I know very little what's happening there. So I'm not in the scene. I've seen the promo which everybody must have seen. I hope it is good and people like it. Sir, but Ekta Kapoor doing a very fantastic. इनको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, और ऐसी जन्मदिन की पार्टियाँ ये अगले 100 साल करती रहें और हम आते रहें। ओके सर आए अपने कीमती समय देकर, मैम क्या कहना चाहेंगे आपके जन्मदिन के पार्टी में? मैं ये बोलना चाहूँगी कि सर कीमती समय देकर सिर्फ नहीं आए, और वे दुबई से बुलाया गया इनको, बिकॉज मैं चाहती थी कि ये जरूर आए। बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि आरके की तबीयत ठीक नहीं है, वशीकरण हो गया, कुछ नहीं हुआ, जानते हैं आपके सामने खड़े हैं, ये छोड़ के परफेक्ट। लेकिन आपके सब वशीकरण आपने ट्विटर पर भी आपने कहा है, तो कौन किया है वशीकरण, कौन सा बॉलीवुड ने कर दिया है, किसको आपने इतना परेशान कर दिया है सर, बता दीजिए आज। किसी ने तो किया होगा, छोड़ दो, किया है उसका भला। सर आप रिव्यू के लिए जाने जाते हैं, क्या वही बात है कुछ रिव्यू के वजह से तो नहीं हुआ?
अरे रिव्यू तो ठीक है यार, रिव्यू तो किसी को देखो रिव्यू हम तो जो कहना होता है सच वही कहते हैं, बाकी जिसको पसंद आना है वो आएगा, जिसको नहीं पसंद आता वो भी ठीक है। ओके सर, दो फिल्म रिलीज होने जा रही है साहब अगले, सिम्बा और उसके बाद जीरो, जीरो पहले रिलीज हो गया। आपको क्या लगता है शाहरुख खान का कमाल होगा बॉक्स ऑफिस में, क्योंकि दो खान तो फ्लॉप हुए तो तीसरा? मैं बीच में टोकना चाहूंगी, सबसे पहले आप बताओ आपको रज्जो का फिल्म प्रोमो कैसा? हाँ वो बताओ। और रज्जो के रज्जो कौन सी फिल्म है? मैंने तो देखा शॉर्ट फिल्म है, नहीं शॉर्ट फिल्म की बात कर रही हूँ, बहुत अच्छी फिल्म है और सुपर ट्रेलर है। और जीरो की बात की जाए तो देखिए जीरो का जो है वो बहुत बड़ा क्रेज है, मुझे लगता है बहुत बड़ी ओपनिंग मिलेगी, कम से कम पहले दिन का 40 करोड़ का बिजनेस जरूर होगा, और फिर फिल्म कैसी होगी सेकंड डे थर्ड डे उस पर डिपेंड करता है। सर ट्रेलर की बात करें तो जहाँ पर कैटरीना कैफ किस कर रही है शाहरुख को, उस सीन को आप कैसा देख रहे हैं? वो सब किस कर रही है नहीं कर रही उससे मुझे मतलब नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि कैटरीना बहुत अच्छी लग रही है फिल्म में, जो उनका रोल है उसमें वो बहुत जम रही है और मेरे ख्याल में वो फिल्म के लिए बहुत अच्छा है। ओके व्हाट अबाउट सिम्बा? सिम्बा भी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि रणवीर सिंह पहली दफ़ा ऐसी फिल्म में आ रहे हैं जहां वो एक्शन कर रहे हैं, बहुत ही एक तो इंस्पेक्टर का रोल है, तो मेरे ख्याल में वो भी बहुत अच्छी है। वो भी डिपेंड करता है कि भाई फिल्म कैसी होगी, उसको भी ओपनिंग बढ़िया लगेगी। सर काफ़ी फिल्में अभी एक मिनट तो कैसे लगा ट्रेलर के, थोड़ा सा बता दीजिए। वो तो मैंने अभी बताया ना कि ट्रेलर बहुत अच्छा है और फिल्म भी बहुत अच्छी होगी, फिल्म भी देखेंगे। सर काफ़ी फिल्में अभी ऐसे आई है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को ले लीजिए कि फर्स्ट डे ओपनिंग तो क्लास मिलती है लेकिन उसके बाद पिट सी गई है, तो इसके लिए क्या कहना है आपका? क्या गई, बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई है। अब उसका कहना यही है, वही मैंने अभी जीरो के बारे में कहा कि देखिए पहले दिन की ओपनिंग लगती है जितना आपका जो हाइप होती है फिल्म की, और दूसरे दिन फिल्म कैसी है उस पर डिपेंड करता है, तो ओपनिंग तो जीरो को भी बहुत बड़ी लगेगी बट फिल्म कैसी है दूसरा दिन और तीसरा दिन उस पर डिपेंड करता है। ट्रेलर किस तरह से आपको खास तौर पे लगा है? क्योंकि शाहरुख खान साहब पहली दफ़ा एक बौने का रोल कर रहे हैं और मेरे ख्याल में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आनंद ऑलरे बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और फिल्म को ओपनिंग बहुत बड़ी लगी। ये पिट क्यों रही है मूवीज कुछ अगर बता सके तो, बड़ी बड़ी फिल्म में जो है वो अगर फिल्म खराब होगी, स्क्रिप्ट नहीं होगी, फिल्म में कहानी नहीं होगी तो फिल्म तो पिटनी है, वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान हो, वो रेस 3 हो, वो 2.0 हो, वो सारी फिल्में इसीलिए पिटी हैं क्योंकि फिल्मों में जान नहीं थी, फिल्मों में कहानी नहीं थी। सर यू आर द पार्ट ऑफ बिग बॉस ऑल्सो, द बिग बॉस ऑल्सो 2 वीक्स रह चुके, आपको क्या लगता है कौन जीत पाएगा? श्रीशांत? मेरे ख्याल में श्रीशांत जीत जाएगा, श्रीशांत बाकी लोगों से बहुत आगे है इस वक्त,